गर्मियों का मौसम है और कुछ हेल्दी और ठंडा खाने का तो सभी का मन करता है, तो क्यों ना आप ये बहुत ही टेस्टी फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी ट्राई करें। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में दूध लेकर इसको उबाल आने तक गर्म कर लेना है। उबाल आने के बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी ऐड करके चीनी को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब इसमें चीनी मिक्स हो जाए तो ये वनीला का कस्टर्ड पाउडर साथ में दूध इसमें ऐड करना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ध्यान रहे इसके लिए आपको दूध ठंडा यूज करना है। अब इसको उस दूध में डालते जाना है और साथ के साथ ही मिक्स करते जाना है। इसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए, इसको हम थोड़ा सा गाढ़ा होने तक पका लेंगे। तो ये कस्टर्ड मिल्क हमारा तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी आपको ऐसे कोटिंग वाली रखनी है। अब मैं यहाँ पे ये काफी सारे फ्रूट्स का यूज कर रही हूँ, इनको हम काट कर ठंडे कस्टर्ड में डालेंगे। मतलब कस्टर्ड को आपको 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है, उसके बाद इसमें आपको अपने मनपसंद के फ्रूट ऐड करने हैं। तो ये ठंडा ठंडा कस्टर्ड हमारा तैयार है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।